वहीं हिमाचल के वोकेशनल टीचर पिछले 7 दिन से शिमला में हड़ताल पर हैं। इससे 1100 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में 80,000 से भी ज्यादा छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, फिर भी सरकार इन्हें बात करने के लिए नहीं बुला रही। वोकेशनल टीचर सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को बाहर करने की मांग कर रहे हैं। इस समय हम मौजूद है चौड़ा मैदान पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं जो वोकेशनल ट्रेनर टीचर है उनका लगातार जो 7वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। वही जिस दौरान देखा जा रहा था कि ये खाना भी यहाँ पर बना रहे थे, फिलहाल अब जो प्रशासन की ओर से वो भी यहाँ पर अनुमति नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी कड़ाके की ठंड के बीच जो लगातार जो वोकेशनल जो टीचर है, अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश में 2174 टीचर है जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इनका कहना है कि जो निजी कंपनी को बाहर किया जाए। फिलहाल आप देख सकते हैं कि नारे अभी भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। जी मैम, आपका शुभ नाम? अनीता वर्मा। और मैम, जिस तरीके से देख रहे हैं हम लगातार आप जो नारे भी बना रहे हैं, क्या मुख्य संदेश देना चाह रहे हैं खासकर? सर एक्चुअली अभी आज हमारा डे 7 है यहाँ पे प्रोटेस्ट। हम आप देख रहे होंगे कितने सारी लेडीज यहाँ बैठी हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए। जो हम इतने दिनों से कह रहे हैं, एटलीस्ट हमें एक बार बोलने का मौका दिया जाए, मिले हम लोगों से। मतलब जैसे जो गवर्नमेंट है वो इनिशिएटिव ले, इस चीज़ को सुने एटलीस्ट कि हम क्या चाहते हैं। हमारा मतलब हमारी कोई रेगुलर की डिमांड नहीं है, हम चाहते हैं कि जो कंपनीज हैं उनसे हमें छुटकारा मिले। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 13 साल या 11 साल से इस फील्ड में है, मैं खुद 8 साल से इसमें हूँ, वोकेशनल ट्रेनर हूँ, तो हमारा बहुत ज़्यादा शोषण हो चुका है। अब हम ये नहीं चाहते हैं कि आगे भी ऐसा ही रहे। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जो कंपनी को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। जी मैम, आप कौन से जिला के और क्या कहना चाहेंगे? सर मैं सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मेरा नाम सुनीता है। सर हमारा सिर्फ एक ही मुख्य मुद्दा है कि जो कंपनीज हैं उनको बाहर किया जाए। आपने देखा होगा यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ है जो बच्चों को लेके भी आई है, तो हमारा जो मुख्य नारा है वो नारा भी हम यही दे रहे कि कंपनीज को बाहर करें, हम लोगों को वो चीज़ मिले जो गवर्नमेंट से हमें बात करने का मौका दिया जाए, हमें अपनी बात रखने का उनके सामने मौका दिया जाए। यहाँ पे हम नारे लगा रहे, सारी चीज़ें कर रहे, बट एक बारी कोई इनिशिएटिव तो ले, हम तक आए तो हमारी बात सुने। हम अगर एम्प्लॉय है तो हमारी बात गवर्नमेंट तक जानी चाहिए, हमें मिले वो। इस तरह से हम इतने सारे लोग जो इतने दिनों से जो भी बात कहने जा रहे हैं, एटलीस्ट उनके सामने रखने की हमें टाइम दिया जाए। तो सर बस बात यही है कि हमें ये कंपनियों से छुटकारा मिले। जी मैम, आप कौन सी जिला के, आप क्या नाम? मेरा नाम शिवानी शर्मा है और मैं सोलन जिला से हूँ। आपने देखा होगा कि हम 4 तारीख से यहीं पे बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। हमारी सिर्फ एक मांग है कि कंपनियों को बाहर निकालो, और जब तक हमें कोई लिखित में आश्वासन नहीं देता है या हमारे बीच आके हमारे CM साहब या फिर हम कहीं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ नहीं आते, तब तक हम नहीं उठने वाले हैं। और हमें लिखित में आश्वासित किया जाए, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा या हम सभी शायद सरकार को भी भलीभांति परिचित होंगे इन चीज़ों से कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। अगर हमारे बीच अगर मैं मुख्यमंत्री जी की बात करूँ, अगर वो मुख्यमंत्री नहीं होते या उनके पास इतनी पावर ना होती, तो उनके खुद के बच्चे क्या कर रहे होते? हम अच्छी डिग्री लेके यहाँ पे हैं, हमारे में से यहाँ पे कोई PhD भी है, हमारे में से यहाँ पे मास्टर्स तो मुझे लगता है कि सभी के सभी होंगे। कंपनी की तरफ से जब जब हमें कहा गया कि हमारी एजुकेशन जो कोई क्वालिफिकेशन है उसको इम्प्रूव किया जाए, तो हम में से कई BSc करके थे एग्रीकल्चर में, उन्हें MSc करनी पड़ी है, जो BCA थे उन्हें MCA करनी पड़ी है, और जो बैचलर डिग्री जिसके पास भी थोड़ा ना मास्टर डिग्री की है, तो हमें समझ नहीं आता है कि इतनी पढ़ाई करने के बाद अगर हमें यही दिन देखने पड़ेंगे कि इतनी कम सैलरी में गुजारा करना पड़ेगा तो हम कहाँ जाए। तो ये तो एक क्वेश्चन मार्क बनता है सरकार के ऊपर भी, कितनी पढ़ाई करने के बाद क्या हमारी सरकार इतनी कैपेबल नहीं है कि वो हमें कहीं जॉब दे सके। या हम जॉब कर रहे हैं, कोई 35 साल का यहाँ बैठे हैं, हमारे में से 11, 12 साल हो गए हैं सबको, तो 35 या 40 साल में आप बताइए कि हम क्या अलग बिजनेस कर सकते हैं कुछ? हमारे पास कोई ऐसा स्कोप नहीं बचा है। सब अपने अपने क्वालिफिकेशन बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं। वोकेशनल ट्रेनर्स को जब कहा है कि आप किसी भी तरीके से अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ाएं, हमने वो किया है। स्कूल लेवल पे आप किसी भी स्कूल में आप बात करेंगे कि हमारे बिना कोई भी एक स्कूल नहीं चल पाता है, हमारी कहीं पे भी ड्यूटी लगती है हम वो कर लेते हैं, हमारे पास कुछ भी कहीं पे भी हम सबसे आगे खड़े होते हैं। बस हमें चाहिए लिखित आश्वासन कि हमें लिखित में दीजिए कि हमारे लिए जो कंपनी है उसे बाहर निकाला जाएगा। पॉलिसी की तो हम डिमांड कर, आप देख सकते हैं, मैं फिर सुबह से जाऊंगा कि कुछ यहाँ की तस्वीरें दिखाई जाए। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लगभग 1200 से अधिक जो वोकेशनल ट्रेनर है वो यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका स्पष्ट रूप से कहना है जब तक जो सरकार इनकी मांगे पूरी नहीं करती है, ये जो धरना प्रदर्शन है लगातार जारी रहेगा। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, शिमला से, इंडिया न्यूज़।